नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो शेयर है मेरा इक्विटास होल्डिंग NBFC का शेयर है। आपको पता है ये स्मॉल माइक्रो फाइनेंस को फाइनेंस का प्रोवाइड करता है। ये इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग चलते आ रहे हैं पिछले लास्ट 3 ईयर से। तो अब शेयर के अंदर बाय करने का सही समय है या इस शेयर के अंदर और भी वेट करना है? लास्ट 3 दिन से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, इस वीक पूरे वीक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कोई पैनिक नहीं है, कोई क्रैश नहीं हुई है मार्केट, कुछ नहीं है। मार्केट अब ट्रेंड की तरफ भागने को तैयार बैठी हुई है। 16,000 के लेवल पर मार्केट शायद आने वाले वीक में आपको 16,000 तक मार्केट दिख जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इक्विटास होल्डिंग। इक्विटास होल्डिंग आज डेट है 18 जून, अभी 4:30 बज रहे हैं दिन के। तो यह आज ओपन होता है 93.55 पैसे पे, हाई जाता है 94.70 पैसे पे, लो मारता है 91.20 पैसे पे। देखिए आज ये 91.95 पैसे पे क्लोज़ भी होता है 2% की गिरावट के हिसाब से। इसका 52 आई है 101.90 रुपये, 52 लो है 40.20 रुपये। तो अब चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसमें कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे इसमें बाय करने के मौके मिलेंगे और ये अप ट्रेंड कितना और जाएगा। देखिए मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ, मैं इसका वीकली और डेली चार्ट ओपन करता हूँ। ये देखिए मैं इसका डेली चार्ट ओपन किया है। अभी डेली चार्ट पे देखते हैं क्या मॉडम क्लियर हो रहा है, इसके अंदर क्या बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये ना ये 75 से ना ये पूरा अप ट्रेंड की तरफ चला था, करेक्शन होते 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 ये देखिए यहाँ भी करेक्टिव हुआ है। वैसे ये डेली चार्ट पे देखिए इस कैंडल और इस कैंडल पे, ये देखिए इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, ये देखिए यहाँ पे ये तीनों कैंडल एक ही रेंज में चल रही हैं, ठीक है। और ये यहाँ से सपोर्ट लेके चला है, इस टाइम पे 91.60 पैसे से सपोर्ट लिया इसने। और इसने लो देखिए आज का कितना था, इसका लो 91.20 पैसे। तो ये यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, तो डेली चार्ट पे सपोर्ट लेके अब ये 91.92 के आसपास इसने क्लोज किया है। मगर हमारे को ग्रीन कैंडल दिखा, रेड कैंडल दिखाया इसने, बट इसमें प्रॉफिट बुकिंग है इसके अंदर, क्योंकि निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि निफ्टी काफ़ी दिन से डाउन जा रहा। और आज देखिए निफ्टी किस तरह से रिकवर करता 200 पॉइंट गिरने के बाद भी। तो आप वीकली चार्ट पे देख लेते हैं इसके अंदर, ये देखिए वीकली चार्ट इसका ओपन हो रहा है। तो आप वीकली चार्ट पे क्या कह रहा है, ये वीकली चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसका वीकली चार्ट ओपन हो गया है। ये देखिए इसका MACD भी एवरेज चल रहा है हमारा, ऊपर है अभी। RSI भी इसका अभी 50-60 से ऊपर चल रहा है हमारा, अच्छा है। इस टाइम पे भी कॉन्सोलिडेट हो चुका है शेयर में, जितनी प्रॉफिट बुकिंग हो तो हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, देखो ये दोस्तों ये वीकली चार्ट पे इस कैंडल पे सपोर्ट लिया इसने। इस कैंडल से सपोर्ट लेके ये देखिए इसका जो पहला टारगेट आएगा, मेरे हिसाब से इसका पहला जो टारगेट आएगा इसका आएगा 105 रुपये। अगर ये 105 का लेवल क्रॉस करता है तो दूसरा टारगेट आएगा इसका 110 रुपये, क्योंकि इसके आगे कैंडल हो रहा है 110 की। अगर 110 को क्लोज करता है तो 115 रुपये आने वाले 1.5 महीने के अंदर दिखाएगा। और अभी तक जितनी मैंने कॉल दिया उनके साथ अल्टीमेटली सबके टारगेट आ चुके हैं। एक आध दो कॉल है जिनके टारगेट सेकंड और थर्ड टारगेट आना बाकी है, बाकी फर्स्ट टारगेट सबके आ चुके हैं, ठीक है। अब टिकर टेप के साइड पे चलते हैं। टिकर टेप के साइड पे देखिए इक्विटास होल्डिंग का मैंने पेज ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे भी 100% हमें एनालाइजर बोल रहे हैं इसमें बाय करने के लिए, यह गुड पॉइंट ऑफ एंट्री। देखिए टिकर टेप के साइड पे भी हमें एनालाइजर बोल रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अब इस मैं मनी कंट्रोल की साइड पे जाता हूँ, तो मनी कंट्रोल की साइड पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी मनी कंट्रोल की साइट पे भी ये देखिए इसने देखिए लास्ट ईयर से 19.93 यानी अप्रोक्स 20% लास्ट ईयर से YOY से प्रॉफिट दिया था इसने। देखो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड भी देती आ रही है, डिविडेंड भी दे रही है। ये देखिए यहाँ भी 100% हमें एनालाइजर बोल रहे हैं बाय करने के लिए। तो दोस्तों अगर ये आपको 90 से नीचे मिलता है, 90 से लेके 94-93 के बीच में मिलता है, तो इसमें डेफिनेटली बाय करिए। मेरा जो पहला टारगेट है इसके अंदर चार्ट के अकॉर्डिंग जो बता रहा हूँ, पहला टारगेट मेरा 105 का है, दूसरा 110 का है, तीसरा 115 रुपये का। अगर 115 को तोड़ता तो 120 भी आपको दिखा देगा। तो आई होप ये वीडियो अगर आपकी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।